नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक बूढ़े बाबा मंदिर का, बूढ़े नाथ धाम जो देवबस्सी में है, जो प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सांगीपुर मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर देवपश्चिम या दीवानगंज एक रोड पड़ती है, उसी के जस्ट किनारे पे स्थित है। कहा जाता है ये एक बहुत ही भगवान शिव के एक दिव्य मंदिर है और ये श्रद्धालुओं के एक विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे भैया हैं और उनमें से पूछते हैं, एक भैया हैं, भैया आप अपना नाम बताइएगा। हर्षद मिश्रा। हर्षद भैया, मंदिर के बारे में। मंदिर बहुत शानदार है, भव्य है, ये मतलब हमारे पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। भैया आप नाम बताएंगे? आलोक तिवारी। आपका नाम? सौरभ तिवारी। सौरभ भैया, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? अरे बहुत अच्छे मंदिर है, बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए हर मंगलवार। चलिए बहुत बहुत, आप नाम बताएंगे? सूरज गुप्ता। बहुत अच्छा सूरज, तो आप सभी भैया पढ़ने वाले हैं? हाँ भैया, आकाश कनौजिया। ठीक है, तो भैया बजरंग दल के भी हमारे पास हैं, ये प्रमुख हैं और एक अच्छे यहाँ के हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न हैं। तो प्रद्युम्न भैया, इस मंदिर के बारे में बताएंगे? ये भगवान भोलेनाथ की मुख्य रूप से पूजा होती है, जिनका बूढ़ेनाथ नाम से मंदिर विख्यात है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बूढ़े नाथ धाम मंदिर में, मंदिर परिसर में, और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो हैं और बहुत सारे श्रद्धालु जन भी हैं जो यहाँ से दूर दूर से आते हैं। तो सबसे पहले हम ये इस मंदिर के जो प्रमुख हैं, इस समय यहाँ के पुजारी हैं, उनसे यहाँ के बारे में जानेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम विशाल गोस्वामी है, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारा पास में ही घर है। तो सुबह की आरती जो है, मंदिर का कपाट जो है, सुबह यहाँ पर 4 बजे खुल जाता है। उसके तो ये मंदिर, जैसे आपने कहा सुबह के 4 बजे खुलते हैं, तो मंदिर में आप ही नित्य प्रतिदिन यहाँ पूजन कर रहे हैं? जी जी, हम सुबह शाम नित्य प्रतिदिन हम ही पूजन करते हैं, मंदिर का कपाट भी हम ही खोलते हैं सुबह उठ के। तो 4 बजे कपाट खोलते हैं, तो 5 बजे तक सुबह की आरती करते हैं और सायंकालीन आरती जो है शाम को 6 बजे, मतलब इस शीतकालीन में शाम को 6 बजे करते हैं, नहीं तो ग्रीष्मकालीन में 7 बजे तक करते हैं। नहीं, ग्रीष्मकालीन में 7 बजे तक और अभी शीतकालीन मौसम में 6 बजे। तो यह इस मंदिर परिसर में वास्तव में बड़ा ही भव्य, बड़ा ही मनोरम और बहुत ही शांति प्रदान करने वाला यह कैंपस परिसर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और इस मंदिर में कोई विशेष आयोजन वर्ष में कभी किया जाता है, इसके बारे में बताइए। इस मंदिर में वर्ष भर में कार्तिक पंचमी जो है, तो यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, अनेक प्रोग्राम भी किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और भैया आप हमको बताएंगे कि ये जो मंदिर कैंपस है ये सांगीपुर से कितनी दूर है? सांगीपुर से 3 किलोमीटर दूर। आप भी बताएंगे कि जैसे मेले का जब विशेष आयोजन होता है तो वो आयोजन कितने दिन के लिए होता है, 1-2-3 जो भी रहता है? हाँ, 1-2 दिन तो नॉर्मली है भाई, लोग आते हैं। यहाँ के, यहाँ पर सबसे जो वरिष्ठ हैं यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, हम मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, तो आप बताएंगे। सबसे पहले आप दादाजी नाम बताएंगे अपना। बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी। हम लोग इस गांव में जन्म से ही रह रहे हैं और इस मंदिर के बारे में सुना है कि आज के 1000 वर्ष पहले हमारा गिरी समाज जो यहाँ पूजा अर्चना करता है, इन लोगों को 14 पीढ़ी पहले वो बाबा बसंतगिरी की मठ है वो जिंदा समाधि लिए थे और वही इस मंदिर के पहले पुजारी थे। तब से उनसे पुराने इस जनपद में सुजाखर तालुका में यही बाबा बूढ़ेनाथ का धाम रहा और इसके विकास के लिए प्रयास किया गया। DM आए, पर्यटन विभाग के अधिकारी आए प्रयागराज से, कल्याण करते हैं शिव भोले, वो अपनी तरफ से यहाँ धन लगाते हैं और इस मंदिर में
अब है भक्त लोग श्रद्धा से अपना आते हैं, शांति पूजन करते हैं, पंडित विद्वान जन आते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, अपनी मनौती मानते हैं, जो हो सकता है यहाँ दे जाते हैं। इस मंदिर का अगर सुंदरीकरण हो जाए तो भगवान आगे भोलेनाथ की कृपा है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। भैया नाम बताएंगे अपना? हाँ भैया, मेरा नाम राम सुख सरोज। मंदिर के जो यहाँ का मंदिर का महत्व है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मंदिर ये कई पीढ़ी पहले की मंदिर है जी, और लोगों का यहाँ आना जाना लगातार निरंतर जो है शुरू से रहा है, आज भी है। आज कुछ यहाँ निर्माण कार्य अच्छे अच्छे हो रहे हैं, लोगों की आस्था बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। यही इस मंदिर के विषय में ये सारी हुई और इसके निर्माण के विषय में लोगों का इसमें सहयोग रहा है, सहयोग से मंदिर बनी। आज कुछ भक्त ऐसे भी आए हैं यहाँ जो व्यक्तिगत अपनी मंदिर का निर्माण करवाए हैं, जो सामने आपको दिख रही हैं कई मंदिरें, ये सब अभी कुछ समय पहले से शुरू हुआ है सिलसिला। दिन प्रतिदिन अब तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ 5-7 साल में बहुत कुछ हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्रद्धालुओं का भी केंद्र है, बहुत बहुत धन्यवाद।